Hello and you're watching Claptrap, we are back again. Today we are going to touch upon a topic that has always been in my mind. In fact, 3.5 years ago when my mother went through the TKR, the total knee replacement from Hinduja Hospital, Bombay, we decided to go for this product but have been little procrastinating it. But that's not fair because when it comes to health, I think all of us, no matter which country, which nation or which state you belong to, we all of us go through some mental and physical ailments and we go from pillar to post, from one doctor to another. Finally, I have a solution. In fact, I'm going to buy this chair for myself and I wanted to rely upon a company that is European with EU certification so that I can buy a good product because it is related to our health. So we have come to Amity Global. They are serving these amazing massage chairs with multiple functions and I wanted to understand from the layman's perspective, how does it function and how much does it cost? This came as a surprise to me because not only the technology is very advanced, very robotic, but also the pricing shocked me quite a bit. So we had a very small interaction. This discourse will help you to understand how to choose right kind of a massage chair. Let's begin. Hello, Ajit ji. Welcome, sir. आज आखिर आप आई गए. Thank you very much. And welcome to Claptrap. हाँ, we have been talking 8 महीने से हम लोगों की बात चल रही है. वो कहते हैं ना, necessity is the mother of invention. तो आप तो ऑलरेडी इन्वेंटेड थे बट आपको डिस्कवर कर रही है आपने दोबारा, आपको जरूरत पड़ी तभी आप ऐसे नहीं आ रहे थे. ओके, एक्चुअली हुआ क्या, मैं बताऊं आपको, वी आई मीन वी डोंट पब्लिश दिस. हम लोग ना जनरली बहुत पब्लिश नहीं करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को एंड आई एम नॉट द ओनली वन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी सीक्रेटिव एंड वेरी वेरी प्राइवेट. बट माई मदर हैज गॉन थ्रू द नी रिप्लेसमेंट. ओके, सो टोटल उनका TKR हुआ था हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे. सो आई मीन आई अंडरस्टूड द होल रिक्वायरमेंट बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे. तो हमको लगा कि हमारे घर में भी एक इस तरह का मसाजर होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हिम और फॉर माय जेरेटिक फादर बट ऑल्सो फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई ऑल्सो वर्कआउट. थोड़ा बहुत हम वर्कआउट करते हैं तो इनकी जरूरत हमें अक्सर रहती है. चलिए, फाइनली आपके और व्यूअर्स के लिए मैं आपको पूरा गाइड करूंगा. चलिए, आप देखिएगा कि आपको कौन सी पसंद आ रही है. चलिए, तो हमारे बजट में भी फिट होना चाहिए. लेकिन सर, सब बजट वाली है, आप कैसे भी देख लो. ऑलराइट, मार्केट के सब प्राइसेस को आप भूल जाओ, सब यहाँ के बजट में आप देख लो सर. चलिए, अभी क्योंकि ये हमारा ऐसा मोर लाइक अ लाइफस्टाइल ब्लॉग जैसा जा रहा है तो क्विकली थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दे. मशीन ओरिजिन कंपनी कहाँ की है ये? सर सब ऑक्स ब्रांड है, सब जर्मन बेस्ड कंपनी है. ओसी के ही सब प्रोडक्ट है. अच्छा, वारंटी वाले प्रोडक्ट है. ऑन साइड वारंटी प्रोवाइड करते हैं हम. लाइफ टाइम इसकी सर्विस वारंटी रहती है, 2 साल की इसकी चेयर की वारंटी देते हैं. ऑन साइड कुछ भी होता है तो वहीं पे इंजीनियर आएगा आपके यहाँ पर. ऑलराइट, इंडिया में कहीं पे भी होगा तो ठीक है जी. तो मसाज चेयर के बहुत सारे कंफ्यूजिंग एलिमेंट हैं. जैसे लूवरे मॉल में ना कुछ मैंने देखा था, या सलिंग प्लाजा में, या फिर दिल्ली में भी मैंने देखे कई सारे मसाज चेयर, या फिर हम सिनेमाज में देखते हैं. इतने सारे वेरिएशन, इतने वर्जन है, इतने तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी नहीं है. इतने तो कार के वर्जन नहीं है इंडिया में. नहीं, नहीं, जैसे आजकल बेसिक चलता है, 2-3 तरह की कारें आती है ना, कि इलेक्ट्रिक कार होगी, डीजल होगी, पेट्रोल हो गया, ऐसे ही सब. ये ऊपर से लुक का है, अंदर चीज 2-3 चीजें ही रहती है बस. अच्छा, मैं आपको जब समझाने जाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा. तो हमें बिल्कुल बेसिक से समझाएं, हालांकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बेसिक का नहीं है. मैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो थोड़ा सा हाई एंड हो, फुल बॉडी हो, बिकॉज उसमें हम सब यूज कर सके उसको. ठीक है, तो बताए कहाँ से बताएंगे सर? एक तो ये लिविंग, ये तो आपके ऐसे काम की है नहीं, मगर तो भी ये है ना, इसको लिविंग रूम में रखा जाता है. इसको अच्छा, सोफा बोलते हैं. अच्छा, इसमें और कहीं का होनी हो मसाज, ही ऊपर इसमें एसएल टैग लगा तो इसमें पीठ की मसाज होती रहती है. अच्छा, ओनली सिर्फ बैक में रोलर्स होते हैं? बैक के लिए रोलर्स हैं. इसके आगे स्टूल रहता है, इस पर बैठ के आराम से टीवी देखते हुए अपन मसाज करा सकते हैं. ठीक है, तो जो भी मसाज चेयर में, मतलब आज मैं वैसे समझूंगा जैसे एक लेमैन समझता है, कि बेसिक होता है कि एक मशीन के अंदर रोलर्स लगे होते हैं जो आपको हार्ड कंप्रेस देते हैं. Right. उसमें 2 तरह के होते हैं सर. एक होता है ट्रेडिशनल मसाज चेयर जिसमें फिक्स रोलर होते हैं. अच्छा, और एक होता है एसएल ट्रैक. ओके, जैसे पेट्रोल और डीजल का कह रहा था मैं, उस हिसाब से ही. तो इसमें एसएल ट्रैक लगा हुआ है. अच्छा, बाकी फुल बॉडी मसाज चेयर नहीं, एसएल ट्रैक ही है. अच्छा, तो ये रोलर्स लगे, ये सिर्फ बैक के लिए, सिर्फ लिविंग रूम में रखने के लिए, ऐसे सोफा मसाज या सोफा. ये काफी सस्ता है, 45,000 रुपीज का है, 4D है ये. अच्छा, चलिए ठीक है. आप अभी आए, ये बहुत हमारा है सबसे ज्यादा बिकने वाला सेलेबल है मॉडल R6. अच्छा, ये भी फिक्स रोलर मसाज चेयर में आता है. मात्र 50,000 रुपया रहता है. इसमें आई मसाजर, थाई मसाजर, वॉइस कंट्रोल, फुल बॉडी मसाज चेयर, ये सब रहता है. ऑलराइट, ये अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं अभी, तो हमने बेसिक देखा सबसे पहले. हाँ जी, उसके ऊपर वाला है. हाँ, ये बेस्ट मॉडल है जिसमें फुल बॉडी मसाज चेयर होता है. ये फर्स्ट मॉडल है हमारा. अच्छा जी, फुल बॉडी मसाज चेयर में.
इसी का ही अपन नेक्स्ट वर्जन। इसमें मुझे सॉरी सर मुझे ना शोल्डर्स भी दिख रहे हैं इसमें शायद ना। शोल्डर सब में रहते हैं, पूरा फुल बॉडी का है, फुल बॉडी का है, हेड से लेकर टो तक पूरा करेगा। ओके डन। सो आपका L1 L2 से लेके रिब्स, हैंड्स मसाज, काफ मसाज से लेके फुट और पॉज सब है। आई मसाज का भी है और थाई मसाज का भी है, जो कि बहुत सारी चेयर्स में आता ही नहीं है। वो क्या होता है? जैसे आई मसाजर का एक बेल्ट लगा रहता है, आंखों पे लगा लो, आपकी आंखों की मसाज होगी। अच्छा, थाईज में दो बेल्ट लगा लो, आपके थाईज की भी मसाज होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है? जैसे कि अब ये इसका अपग्रेड वर्जन है, यहाँ पे कमर्शियल यूज के लिए भी है ये। अच्छा, इसमें देखो आई मसाजर, थाई मसाजर नहीं है, ये है फिक्स रोलर मसाज चेयर ही। फिक्स रोलर में अब हम चलेंगे थर्ड मॉडल पे। हाँ, थर्ड मॉडल है हमारा, ठीक है। ये फिक्स रोलर है, इसमें अपनी अपनी जगह पे रोलर लगे रहते हैं और यहाँ सब जगह सबसे ही मसाज होती है। अच्छा, ये भी ट्रेडिशनल मसाज चेयर में आती है, जो जैसे R6 था ना, अपग्रेड वर्जन है R7 प्रो। ओके, ये कमर्शियल यूज में भी ले सकते हैं और अपने घर के लिए यूज में भी ले सकते हैं। R6 का प्राइस कितना है? R6 50,000 और ये सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा, 60,000। इसमें सारे हैं, इसमें शायद रिक्लाइनिंग भी है पीछे। हाँ, वो सब में ही है, सब जीरो ग्रेविटी, ब्लूटूथ, ये सब चीजें सभी शहर में आती है आज की तारीख में। ठीक है डन। और ये बेंडेबल मोबाइल पोर्टर जैसा, ये क्या चीज है, ये डिवाइसेस का क्या यूज है? ये टच स्क्रीन है, इसे टच स्क्रीन से पूरा आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है डन। जो आप जब आप मशीन में रहते हैं तब कर सकते हैं। मुझे एक कंसर्न और भी है जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो बहुत मैटर करता है। मोस्टली लेदराइट होता ही है ये। प्यूर लेदर है, बहुत बढ़िया चीज है, प्यूर लेदर है। इसका 2 साल की हम खुद वारंटी देते हैं लेदर वगैरह की भी। क्वालिटी अच्छा। बहुत प्रीमियम है, लेदर क्वालिटी भी प्रीमियम। जैसे ब्लैक हो गया, उसके बाद आजकल ये ना थर्ड वॉल्यूम पे आते हैं, सब ब्राउन लेदर यूज करना पसंद करते हैं, ब्राउन लेदर मांगते हैं। तो ब्राउन लेदर में आ गया, इसमें SL ट्रैक भी आ गया। अच्छा, इसमें SL ट्रैक ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रैक चलता है। ठीक है, इसमें थाई मसाजर का बेल्ट आ गया, जो R6 में जैसे बोल रहा था, इसमें बड़े बेल्ट हैं। अच्छा, थाईज के लिए अलग से बेल्ट दिए हुए हैं। बिल्कुल, उसमें शॉर्टकट कीज नहीं थी, इसमें शॉर्टकट कीज है। अच्छा, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वॉइस कंट्रोल भी है। अच्छा, वॉइस कंट्रोल पे भी, मतलब वॉइस से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेशन से आप और इसमें यहाँ अलेक्सा टाइप का ही, और उसके साथ इसमें एयर इंटेलिजेंस चिप है। जब भी कोई बैठेगा तो उसकी बॉडी का वेट, हाइट, ये सब डिटेक्ट करके, स्कैन करके, तो हिसाब से मसाज अप्लाई होगा। अच्छा, और तो मतलब ये ऑटोमेशन खुद पे खुद से चलता है। जी हाँ, रोबोटिक मोड। आप जब बैठेंगे तो अलग मसाज होगी, मैं बैठूंगा तो अलग मसाज होगी। ऐसे 123 मसाज प्रोग्राम इसके अंदर डले हुए हैं। अच्छा डन। अब ये बॉडी टाइप को कैसे स्क्वीज करता है, क्योंकि हर बॉडी साइज अलग अलग होता है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर किड्स, वो मेल और फीमेल तक को डिटेक्ट कर लेता है कि मेल बैठा है कि फीमेल बैठा है, उनकी क्या है, हाँ, उनकी बॉडी हाइट कितनी है, बॉडी का मतलब हाइट वेट कितना है। अच्छा, शेप क्या है, उस हिसाब से कहाँ कैसे मसाज करना है, वो सब ये करती है। ऑलराइट, इसका ही अपग्रेड वर्जन में आते हैं। वो क्या प्राइस में जो आपने पहले दिखाया है? ये वाला 90,000 सीधा SL ट्रैक आ गया, तो 90,000 की। ठीक है, दिस फिट्स इन माय बेली, मेरे पॉकेट में फिट बैठता है। हां, ये भी सब आपके सब पॉकेट वाले ही है, कोई भी महंगा नहीं। अच्छा चलिए ठीक, ओके गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है? अगर पॉकेट में फिट नहीं हो रहा तो सर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बता दूंगा अच्छा बहुत है लेकिन मेरे पॉकेट में फिट नहीं हो रहा। अभी तक तो एवरीथिंग इज फिट है। ऐसा तो आपको कैजुअल लेना, अगर आपको EMI पे भी लेना बजाज वगैरह, तो EMI फैसिलिटी भी है मेरे पास में। चलिए ठीक है, जीरो उसमें फाइनेंस। ओके, ऑलराइट, ये फीचर भी देते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। चलिए ये वाला बता दें मुझे एक बार। सर R9 मॉडल है, गोल्ड एडिशन है, ये डायमंड कट वाली चेयर है। इसमें मोबाइल चार्जिंग अपना कॉर्डलेस हो जाता है, शॉर्टकट कीज वही आ गई, बटन जो है इसके डायमंड में आ गए, पूरा डायमंड उसका आ गया। इधर जो है एयरबैग्स वगैरह डबल हो गए, डबल एयरबैग्स। हीटर तो पीछे है ही है इसमें, बैक में। इसमें हीटर बाकी में नहीं था, उसमें भी था हीटर, मगर उसमें है ना काफ में नहीं था। इसमें हीटर बैक में भी, काफ में भी, डबल हीटर हो गया। ठीक है, एयरबैग जितने आपने हाथों के देखे थे उन सबके थोड़े छोटे थे, इनके और एयरबैग्स बड़े कर दिए। ये पूरा आपका एल्बोस भी आ जाते हैं उसके अंदर ना। बिल्कुल, ये वाला अच्छे से बॉडी कवर होना, 4D चेयर जिस हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर होना, कमर्शियल यूज, घर के लिए यूज, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो थोड़े से ओवरसाइज लोग होते हैं वो आपको आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि ये इसकी देखिए ना, इसकी ब्रॉड ज्यादा है। अच्छा, वेट ज्यादा, ये थोड़ी सी कम है, मगर ये आपकी मदर के लिए जैसा बता रहे ना, उनकी बहुत अच्छी चेयर है। R10 है, मॉडल अपग्रेड हो गया, प्राइस वही अभी भी 90,000 ही। 90,000 है, वो भी 90,000 था, ये भी 90,000, तीनों 90,000 वाले, मगर ये R10 मॉडल है। इसमें लग्जरी ज्यादा है, इसमें कुशनिंग ज्यादा है। अच्छा, जब कोई बैठेगा बिल्कुल सोफा का, उसको मजा आएगा और मसाज इतना आराम से धीमे से होगा ना, लगेगा भी नहीं कि हाँ क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम लग्जरीनेस। अच्छा, बहुत अच्छा फील होगा। ओके, और साथ साथ में सब कुछ तो है इसमें, हीटर वगैरह भी है काफ में, वॉइस कंट्रोल भी है, या वापस से आ गया अपना थाई मसाज वगैरह, थाई मसाज का बेल्ट। और थाइज पे आपको टाई करना होता है इसको, थाइज पे। इसका जो हेड मसाजर है ना, ये भी छोटा है तो हेड भी अच्छे से वो होता है। अच्छा, तो बैठेगा तो उसको लगेगा कि हाँ हेड पे ही मसाज हो रहा है। तो इधर हेड से चालू होता है उसका, इतनी ऊपर से इसका SL ट्रैक है, इसका SL ट्रैक भी लंबा है 155 सेंटीमीटर का। अच्छा, तो ये पूरा ट्रैक चलेगा जो कि गर्दन भी के ऊपर से चलेगा, उसका डबल एयरबैग यहाँ पर है शोल्डर्स के लिए, हाथों के लिए,
यहाँ तक तो अपना वायरा है, एसएल ट्रैक, उसके बाद में नीचे ये सब है। जिनको घुटनों में तकलीफ हो उसको ये थाइस पे भी लगा सकते हैं, घुटनों पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ हीटिंग काम करता है? हीटिंग तो नहीं होता इसमें, है ना, एयर प्रेशर आता है, एयर प्रेशर आता है, हीटिंग काफ में आता है यहाँ पर। अच्छा, डन, डबल एयर बैग्स के साथ, ये भी 90 का है बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा एक बार बता दें, क्या इनकी प्रोग्रामिंग को शेड्यूल किया जा सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना सो जाते हैं मसाज लेते हैं, तो स्लीपिंग मोड पे कर दीजिए। अच्छा। आप वो चेंजेस करना वो कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सिर्फ पाँव में चाहिए तो आप ट्रैक बंद कर दो, सिर्फ पाँव में चलेगा। अच्छा, ऐसा आपको पाँव में नहीं चाहिए ट्रैक, चाहिए सिर्फ ट्रैक चलेगा, आपको जैसा अच्छा लगे वो वैसी चेयर चलेगी। अच्छा, तो ब्लूटूथ के साथ गाने सुनते हुए। ऑलराइट, ओके, टाइमर सेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लॉन्गर सीटिंग के लिए बाय चांस आपको नींद आ गई तो ये सेफ एंड सिक्योर्ड है। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी सेफ सिक्योर्ड है, किड्स के लिए तो सब है, के लिए, सब और साथ में पेट्स के लिए भी, पेट्स को इसलिए क्योंकि इस पे जंप करेंगे तो खराब नहीं होना चाहिए। 24 वॉट का SMPS लगता है ना, तो ज्यादा बिजली भी नहीं खींचता है, इन्वर्टर भी चल जाएगा। अच्छा, 10 से 12 घंटे चलाएंगे ना इसको, तब जाके 1 मिनट बिजली लगेगी बस। अच्छा, बिल्कुल इतना है। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, मतलब पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, 1 मिनट लगेगा इसमें। और जो इसको पावर बैकअप कितना चाहिए, अगर मान लीजिए पावर फेलियर के, कोई सा भी नॉर्मल प्लग में डाल दीजिए, 5 एम्पीयर के प्लग में डाल दीजिए तो भी चला, इन्वर्टर में डाल दें तो भी चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, डन। मतलब आपको एक्सटेंसिव अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, एक अलग से आपको हाई पावर की पावर वोल्टेज लगाए, ठीक है, जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं ना उससे इसको लगा दीजिए। ओके, चलिए, इस फीचर, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है? जितने भी चेयर आती है सब इंस्टॉल्ड रहती है, तो आपको क्या सिर्फ जाके उसको प्लग एंड प्ले करना है, इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अभी पूरा एक नया मॉडल कॉन्सेप्ट आ गया Q3, आपने देखा तो इंडियन गवर्नमेंट में भी आजकल Q3 मॉडल आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट और जितने भी आते हैं अपना कोटेशन वगैरह ये सब गवर्नमेंट Q3 मांग रही है। अच्छा, Q3 क्यों ऐसा? Q3 एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि Q3 होना चाहिए, अभी Q3 वापस वही आया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मॉडल का नाम है। अच्छा, ये देखिए मोबाइल के लिए, यहाँ रखने के लिए मोबाइल होल्डर। अच्छा, शॉर्टकट, शॉर्टकट की ऐसी हो गई। अच्छा, डन। और ब्रॉड भी अच्छी है, टीवी भी बहुत बहुत अच्छे लुक है इसके, आगे के पाँव देखेंगे तो अलग से रहेगा, बाकी के पाँव अंदर चले जाते हैं, इसके साइड में ऐसे रहेंगे एयरबस के साथ, रोलर के साथ। देखिए, देखिए इसमें पाँव अंदर चले जाते हैं तो देखेंगे नहीं आपके पाँव के, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है बिल्कुल नया। अच्छा, अभी तक तो ये है ना, कंपनी ने हमको पहले सैंपल ही भेजा था कि आप इसको चलाओ, देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, और सबको अच्छा लगा, सबने इसको मजा करा, तभी ऑर्डर आ गया इसका, और मैंने मंगा भी लिया माल। उसका प्राइस अब कोट कर रहा हूँ सबसे पहले आपको ही। अच्छा, ये मात्र 1 लाख रुपए की चेयर है। ओके, बस चलिए, अभी तक अभी भी मेरे बजट में फिट हो रहा है, अभी सब बजट में ही है, ठीक है। दिस वो 1 लाख रुपीज। इसके कलर्स के लिए बात करें तो मोस्टली जो है मेरा प्रेफरेंस जो है वो रहेगा कलर्स को लेके, और डार्क कलर ही, क्योंकि थोड़ा सा गंदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस उनका कम होगा। ब्लैक और गोल्ड एडिशन में आ रही है वाली। अच्छा, ज्यादातर ब्लैक एंड गोल्ड में ही आते हैं ये। हाँ, मतलब जब इंडिया में पसंद करते हैं, क्योंकि इस टाइप के लाइट कलर होते हैं तो बाद में मेले लगने लगते हैं। ठीक बात है, ये वेस्ट में अच्छे लगते हैं यूरोप में। अब ये वाला मॉडल जो है ये उससे एडवांस है क्या? ये Q4 मॉडल है। अच्छा, ये हमारे Q4 एडवांस कर दिया, ये वाला जी। इनमें क्या फीचर एडवांस हुए? इसमें लग्जरी और ज्यादा है, इसके कुशन है, वो सब सॉफ्ट है। ये सर, ये अलग अलग क्यों है? ये फ्लैप अलग अलग क्यों है? ये पूरा बटरफ्लाई वाला सिस्टम दिया हुआ हेड मसाजर के लिए। अच्छा, हेड मसाजर से यू शेप आता वो नहीं है, इस पे बैठ के आप कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, जब ये करेंगे तो पूरा ही बटरफ्लाई सरीका हो जाएगा और तब अपना प्रेशर वो देगा। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं, जैसे इट विल बिकम लाइक अ कॉनकेव। हाँ, अच्छा, शेप चेंज हो जाएगी, बहुत शेप चेंज हो गया, उसके बाद में हेड मसाज करेगा। और आपको लग रहा है कि आपको मसाज ज्यादा इंटेंसिटी है तो आप ये रख के करो, इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए तो ऐसे कर लो, कम चाहिए तो ये करो, और कम चाहिए तो ये कर लो। अच्छा, गुड। एक जो पॉज बाद में अभी ले लें या बाद में ले लें, क्योंकि मैं सोचा था एक बार ट्राई मार लें इसको। जी जी बिल्कुल, आप बैठ के देखिए, ट्राई कर लें इसको, विद शूज करेंगे विदाउट शूज करेंगे? शूज तो उतारने रहेंगे। चलिए चलिए, शूज तो मजा आएगा फुल बॉडी का। चलिए ठीक है, लेट मी सेट ऑन दिस। चलिए अभी जी जी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, एक हाथ है हमारा अंदर, दिस इज हाउ इट इज। पावर कनेक्शन लगा लीजिए। ये हम लिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ जी, ये जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी पे जाएंगे। तो आपकी बॉडी स्कैन हो रही है, 15 सेकंड तक ये होगी, 15 सेकंड लगा, ठीक है। 15 सेकंड में मेरा ये हो गया स्टार्ट, मेरा पीछे गया सबसे पहले L1 L2, और अब ये ऊपर आके शोल्डर पे आके स्टार्ट करेगा। अच्छा। जैसे नीचे तक आपको पूरा स्कैन करा है कि आपका कहाँ कहाँ तक आपकी रीढ़ की हड्डी आ रही है, कहाँ पे क्या करना है, अब इसका स्टार्टिंग हो चुका है। ओके, अभी काफ रह गए, काफ से वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई है? नहीं, नहीं था। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है अभी, कि
नीचे पैर में रोले चल रहे हैं, हाँ, चल रहे हैं। हाँ। I have never experienced this, ये तो हमने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, ये तो था ही नहीं कभी। अच्छा, मैंने सर घड़ी पहन ली है बाई मिस्टेक, टूटेगी नहीं, 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 नहीं चलेगा कुछ भी नहीं। अच्छा, ओके, ये भी सेफ्टी, चूड़ी नहीं होना चाहिए, चूड़ी होगी, गोल्ड वगैरह के बैंगल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, वो फिर अगर कुछ टेढ़े हो गए तो उसका। ओह, दिस इज गिविंग अमेजिंग स्क्वीज, माय काफ्स आर गेटिंग रिलैक्स्ड, फ्रीक, आई एम लूजिंग ऑल माय पेन आउट। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, बहुत अच्छी चेयर है, बहुत बढ़िया है, सभी मॉडल अच्छे हैं, मगर ये भी बहुत अच्छा है, अपग्रेडेड मॉडल है। आई नो, थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा देर बैठ गया सर। आई एक्सपीरियंस दिस, हमने, मैं आपको बताऊं, एक एक्सपीरियंस वहां किया था जहां पे ना कंप्रेशन, जो प्रेशर शोल्डर पे बहुत अच्छा आ रहा है। लेट मी सी, अजीत जी एंजॉयिंग दिस, ओके, आप मेरे एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, सो मच फन। वीडियो 3 घंटे का वीडियो बनेगा। अच्छा, ओके, नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ हैमर फिनिश, हैमर फील दैट आई एम गेटिंग ऑन माय बैक। Amazing. अच्छा, ये चीज सर, इसको हैमर नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कि पंचिंग बैग। यू आर अ पंचिंग बैग। अच्छा, सो सॉरी, हम फर्नीचर लाइन के ना, तो उसमें से हमारे मुंह से वही निकला। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक सर, आप प्लीज सामने आइए, आपसे बात करेंगे। सर, मैंने एक चीज लगता है मुझे ऐसा कि जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये दिस इज मोर लाइक योर लाइफ पार्टनर। एक बार आप एक्सपीरियंस करने लग जाओ, यू विल नॉट लीव योर लाइफ पार्टनर। इसकी आदत हो जाएगी, इसके बगैर आप रह नहीं पाएंगे। सीरियसली, आई नेवर इमेजिन दिस कैन बी सो मच बेटर। दिस इज एक्चुअली रिलीजिंग ऑल माई पेन, ओ राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। आएंगे आप तो दिन भर आपने अगर अपना काम करके आए, रात को घर आके बैठे, सिर्फ 10 मिनट बैठ जाएंगे। अच्छा, एकदम फ्रेश, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपके जितने बॉडी पेन है वो सब खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी आप में, आप एकदम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। राइट, सो आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग दिस, आपसे शेयर करते हैं जी। ये मेरे नेक से स्टार्ट हुआ, देन माय शोल्डर्स से फिर अपर बैक लोअर बैक बैक एब्डोमेन, एंड देन हॉन्चेस, एंड देन थाइज से फिर काफ मसल, एंड देन फाइनली इट गोज टू द टोज, एंड ऑफ कोर्स Amazing it is. Price तक आ रहा है सर आपके? Very good, बहुत अच्छा है। Very nice, बहुत बढ़िया था। क्या price है सर? बस सर वही ₹1,00,000। ₹1,00,000। इसके ऊपर हम गए नहीं, बस एक हमारा कैप्सूल है जो अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। वो कैप्सूल है 1,65,000 का। अच्छा, इसका फोटो है? ऑपरेट होता है, सब कुछ रहता है। ये है इसका फोटो, आप अगर लगा सके तो लगाइएगा। जी हाँ, अभी अब मैं उठूंगा, बट मैं आई एम जस्ट शोइंग दिस पार्ट, काफ में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ओके, सो मोस्ट टायरिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी इज योर लोअर बॉडी, दैट्स द सेकंड, आई मीन द लोअर पार्ट इज ऑलवेज टायर्ड, बिकॉज़ दैट्स द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट टेक्स द होल लोड ऑफ योर बॉडी, स्पेशली पीपल दोज हु आर लिटिल ओवरवेट। आपकी मदर का बताया था, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी काम का ही है ना। बिल्कुल ठीक बात है, लोअर पे भी आके कर रहा है, ठीक है, वैसा नहीं, पूरी बॉडी वहाँ पे भी जाके कर रहा है। राइट, और स्पेशली आप खुद उसको ब्रॉड नैरो कैसे भी करके उसको सेट कर सकते हैं। आई नो, थोड़ा सा कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो गई है कि दैट वाज द होल इंटेंशन इज, क्योंकि बाइंग करने जाते हैं थोड़ा कैजुअली रहता है। बिल्कुल, और बहुत सेफ है, एनी टाइम यू वांट टू स्टॉप जस्ट पैनल पे को आप प्रेस करिए। कहाँ से सर स्टॉप हो गए? कर सकते हैं वॉइस से भी कर सकते हैं। अच्छा, वॉइस से भी कर सकते हैं, बंद कर देता हूं। ओके, तो सर मेरे हाथ तो फिक्स होते हैं इसमें, तो इसको फिर दबाने के लिए एक हाथ को निकालना पड़ेगा। वॉइस से कर दीजिए, एलेक्सा करके हेलो लिली। अच्छा, ओके, लिली है। हाँ, इसका नाम क्या? लिली है, किसका किसका स्टीवर्ड है, किसका? अच्छा, सीरी नहीं है यहाँ पे, एलेक्सा नहीं है यहाँ पे, लिली है। ओके, चलिए, लेट मी गेट डाउन। चलिए, वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये जो है मॉडल है, दिस इज टेकन, 1,00,000 रुपीज है ना इसका फाइनल? 1,00,000। कोई बेस्ट प्राइस इसका? सब बेस्ट ही प्राइस है मार्केट से करके। ओके, 8 महीने कैश ले, लेट आने की सजा है, जैसे भी करें, और 8 महीने बाद का है तो भी तो है, देखो रेट दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, दिस इज ओके। कैसे भी पैक होता है, बॉक्सेस में जाएगा, रेडी टू यूज, पूरा ऐसा कैसे ही पूरा बॉक्स में पैक हो जाएगा, नया का नया पीस चेक करके, और सिर्फ आपको वहाँ प्लग एंड प्ले करना है, नथिंग एल्स। चलिए, अगले वीडियोस में हम दिखाएंगे हमारे घर में लगने के बाद ये कैसा लग रहा है। Sure. इसके ऊपर भी एक हम वीडियो करेंगे बाद में। दिस इज डन, सॉर्टेड एंड डन, ग्रे इज माई फेवरेट एंड विद बेज। सर, ये RX7 और है जो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। हाँ. इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है? सर, ये कैप्सूल है, मसाज चेयर नहीं है। अच्छा. कैप्सूल के अंदर ये काफ को रब करता है, लेग जो है वो उसको भी पकड़ के खींचेगा, थाइस को स्ट्रेच करेगा, लेग को स्ट्रेच करेगा, उसका दिया है ना पूरा, उस पर चलता है टैबलेट के ऊपर टच स्क्रीन पे। अच्छा. तो काफी सारे फीचर्स हैं इसमें, साथ में मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चलता है, जिसके दोनों साइड टच स्क्रीन है उस पर चलता है जी। और काफी अलग है, इसके अंदर बैठने इसका एक्सपीरियंस अलग रहेगा, और जो बैठ जाएगा वो अंदर ही समझ जाएगा। अच्छा, कैप्सूल जो होता है ना, सबको ले ले, वो वाली चीज है। तो यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। क्या पूरा वारंटी है इसके ऊपर? सब कोई सी भी चीज का सर लाइफ टाइम सर्विस की वारंटी रहती है, 2 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है। कुछ भी होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके इंजीनियर सही करके जाएगा। कुछ होता है तो उसके पार्ट्स वगैरह सब रिप्लेस होंगे, वही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे।
चलिए ठीक है, ये इसकी किसी तरह की असेंबली की जरूरत नहीं है, ये ऐसे बॉक्स में जाएगा, लोग अपने खुद से इंस्टॉल करा सकते हैं, कुछ नहीं करना, प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, रेडी टू यूज, डन, कुछ भी नहीं करना, वेरी सेफ सिक्योर, इलेक्ट्रोक्यूशन का कोई इशू नहीं है, पावर कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट जीरो। हम जब यहाँ से भेजते भी है तो आईसीसी लोम्बार्ड से इंश्योर करके भेजते हैं, अच्छा, उसका भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जब तक आपके यहाँ तक नहीं पहुंचे तब तक की जवाबदारी हमारी और इंश्योरेंस कंपनी की। ऑलराइट, एंड सम बेसिक एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यू कैन आल्सो हैव इट ऑन ईएमआई एज वेल, यू कैन फाइनेंस इट, हाँ, कोई यहाँ पे आ जाए तो हम उसको ईएमआई वगैरह, तो मेरी भी ईएमआई बांध दीजिए 1000 रुपए महीने, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा जाएगा, नॉट दैट मच, नहीं आई विल पे अप फ्रंट, ठीक है, चलिए जस्ट विल गो विद दिस एंड ओके डन, ये मेरे को पैक कर दीजिए, आई जस्ट लव्ड इट, थैंक यू वेरी मच जी, एंड आई एम सो सॉरी फॉर कमिंग लेट, दिस हैज कम एज अ ब्लेसिंग, बहुत मजा पूरे इंडिया में डिलीवर करते हैं वैसे आप? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, और ऑपरेट यहीं से करते हैं आप? ऑपरेट यहाँ से भी है, पुणे से है, रुड़की से है, इंदौर से भी सेंटर एक चालू होने वाला वहाँ पर है, अच्छा, कहीं भी जाके आप डेमो ले सकते हैं, वहीं पे ऑर्डर दे सकते हैं, माल यहाँ से निकलेगा, और अभी 4 तो हमारे हैं, बैंगलोर में भी हमारा होने वाला जल्दी से जल्दी, तो शायद बैंगलोर से भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, और जाने से पहले एक बार बता दें कि ये जितने भी मसाज चेयर्स हैं ये हमने अलग अलग जगहों पर यूज होते हुए देखे हैं, थिएटर से लेके मॉल्स में और बैंकुट हॉल्स में, बुटीक में, जिम में, एयरपोर्ट पे, सब जगह इनको हमने देखा, जिम में भी यूज होते हैं, बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी होते हैं, आजकल तो बार-बार की शॉप पे भी लगते हैं सर, अरे वाह, बिल्कुल, तो मतलब हर जगह इनको आप इस्तेमाल करते हैं, घर में और ऑफिस में, कमर्शियल यूज कीजिए, घर में पर्सनल यूज कीजिए, गिफ्ट दीजिए, अच्छा, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, कुछ लोग को ट्रेड भी बना लिया है, कुछ लोगों ने, अगर आप देखें ना, तो वो लोग जैसे मॉल के अंदर 2 चेयर्स रख के, 3 चेयर्स रख के, पर आवर 300 रुपए लेते हैं, ऐसा है ना, 15 मिनट का 300 रुपए लेते हैं, अच्छा, आजकल तो ये हो गया की किसी कोई प्रेगनेंट होती है तो उनके हाथ पैर में जैसे सूजन आती, स्वेलिंग आती है, तो मसाज चेयर पे लेती है, तो उन टाइम में वो मसाज चेयर यूज करती है, अच्छा, हाँ जी, तो आजकल उसकी रिक्वायरमेंट इतनी वर्स्ट है, इतनी जगह पर अलग अलग है, आप खुद जज नहीं कर पाएंगे कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट, तो मेरे ख्याल से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, लोगों की डेली इनकम हो सकती है, हम तो कहते हैं कि आपसे ना 3-4 चेयर रख के आप अपने सिटी में रखिए, हम सिर्फ आपके पास एक क्लाइंट भेजेंगे, वहाँ के डेमो लेंगे, और वहीं आपको ही दे देंगे, हम यहाँ से भेज देंगे, अच्छा, मगर सिर्फ एक रख के आप है ना डेमो देने के लिए एक सेंटर बना लीजिए, राइट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। चलिए, सो देयर आर वेरियस वे ऑफ ऑपरेटिंग, आई थिंक इट वाज अ जाइगेंटिक प्रोसेस, जो पूरा का पूरा, जो इस पूरा मसाज चेयर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू मसाज, बिजनेस से लेकर रिलैक्सेशन, बॉडी से, सब कुछ हमें बताया, इतना बड़ा टॉपिक है हमको नहीं पता था। चलिए, प्लेजर मीटिंग यू, पैक दिस अप प्लीज, हमारे लिए दे दीजिए, थैंक यू सर, ठीक है, सो वी आर टेकिंग दिस वन नाउ, इफ यू लाइक दैट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, योर आई शुड हैव गॉन फॉर द अदर मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल्स है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू वेरी सून।